नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। आने वाले विधानसभा में अपराधियों के खौफ और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें भड़थना सीओ साधु राम के साथ केंद्रीय और पुलिस बल उसराहार थाना पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। वहीं सीओ साधु राम ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों को पैदल मार्च के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि वह निडर होकर अपना वोट डालें। पुलिस प्रशासन आपके साथ है। क्षेत्राधिकारी भर्तना के साथ कंपनी कमांडर श्री दशरथ पैकरा में दो प्लाटून सीआरपीएफ अर्धसैनिक और नायब तहसीलदार अवनीश चौधरी एवं थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम, उप निरीक्षक ब्रजनंदन सिंह, एचसीपी मानजीत सिंह एवं थाने के सभी पुलिस बल के साथ कस्बा उसराहार भर्तियां ग्राम कुदरेल नगला दुली ताखा चौराहा समथर सरसई नावर गांव में फ्लैग मार्च किया। उसराहार से संवाददाता गौरव शाक्य की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव के संवेदनशीलता को देखते हुए शांति व्यवस्था रखने के लिए और चुनाव को सफल कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज साथ लेकर एरिया डोमिनेशन कार्रवाई की जा रही है। सर, उसरा थाना क्षेत्र में कितनी जगह निकाला जाएगा? प्रमुख रूप से जो क्रिटिकल और वल्नरेबल मतदान केंद्र हैं, विशेषकर नगला दिल्ली ग्रैल पसमथर और ग्रैल, इसके अलावा भी जो प्रमुख संवेदनशील स्थल पूर्ववर्ती चुनाव के समय में रहे हैं, सब में फ्लैग मार्च कार्रवाई कराई जा रही है। किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं फ्लैग मार्च के द्वारा? आम जनता में ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो सम्मानित मतदाता हैं, निर्भीक और निडर होकर मतदान केंद्र पर आएं और अपना मतदान दें, शांति व्यवस्था बनी रहे। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।